तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो कंट्रोलर होता है डीजे कंट्रोलर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से और फिर सिस्टम में कनेक्ट करके कैसे उसको चलाते हैं। चलो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना, और हो सकता है आप में से बहुत लोग को वो आता भी होगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसको नहीं आता है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ सिस्टम से और लैपटॉप से वो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो रखा हुआ है अपना कंट्रोलर, और ये रहा लैपटॉप। अभी इसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम भी मैंने रेडी कर रखा है, फिर उसमें लीड लगा के कनेक्ट करके फिर मैं आप लोग को चला के दिखाऊंगा कि कैसे ये चलता है, आउटपुट कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो एक सी टाइप केबल आपको मिलता है बॉक्स में। इसके एक साइड को हम लोग लगाएंगे कंट्रोलर में, यहाँ पर इस वाले पोर्ट में। यहाँ पर दो पोर्ट होते हैं, देख सकते हो, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये वाला पावर देने के लिए होता है जब आप ब्लूटूथ से यूज़ करते हो तब, लेकिन जब लैपटॉप से यूज़ करना हो तो यहाँ पर यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए। और फिर दूसरे साइड को हम लोग कनेक्ट करेंगे लैपटॉप में। जैसे ही कनेक्ट करोगे देख सकते हो यहाँ पर लाइट ब्लिंक करेगा, ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है, उसका सिग्नल है ये। अब हम लोग को यहाँ पर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, देख सकते हो चुका है और ये कनेक्ट भी हो चुका है, देख सकते हो रहा है ऊपर नीचे। अब इसका साउंड आउटपुट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को चाहिए होगा आरसी केबल, बोलते हैं शायद उसको, आरसी टाइप का, ये वाला, ये टाइप का केबल, मोबाइल लीड समझ लो। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हो सकता है इस साइड आप लोग के में जैक होगा, जो जैक आता है जो मिक्सर में डलता है मोबाइल लीड में, वो भी हो सकता है, या फिर ये वाले XLRs को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मेल 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 फीमेल भी बोलते हैं, तो ये मेल साइड है। तो इसका तार यहाँ तक पहुँचेगा नहीं मेरे मिक्सर में, तो मैं इसमें कनेक्ट करूँगा एक और केबल। तो यहाँ देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया दो लंबे XLRs से। अब इसके दूसरे पॉइंट को हम लोग डालेंगे मिक्सर में। यहाँ देख सकते हो इस मिक्सर में दोनों का ऑप्शन है, यहाँ जैक होता है तो भी जैक लग जाता और मेल फीमेल का मेल साइड भी लग जाता है इसमें। तो मेरे पास यही लीड है तो मैं यही वाला लीड यूज़ करता हूँ। अभी कनेक्शन हो चुका है और इधर से आप लोग जो भी आउटपुट में देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैंने अभी सिर्फ दो दो टू लाइनरें दिए हैं इस वाले मॉस्फेट में। तो चलो अब साउंड को चेक करते हैं। Meanwhile, तो हम लोग को एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि साउंड को आउटपुट को सिस्टम में देने के लिए, कि आउटपुट जा किस से रहा है, कंट्रोलर से आउटपुट जा रहा है या फिर लैपटॉप से आउटपुट जा रहा है, वो हम लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप लोग को ओपन करना है यहाँ पर सेटिंग्स, और यहाँ पर आप लोग को देखना है कि ये वाला पोर्शन में अगर आपको कंट्रोलर से आउटपुट देना है, क्योंकि हमने ये लगाया है, तो आपके यहाँ पर DDJ FLX4 या फिर कोई सा भी जो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो उसमें कनेक्ट होना चाहिए, और इस साइड तो ऑटोमेटिक वो स्पीकर हेडफोन में ही रहता है, तो इसको हम लोग ध्यान देना चाहिए। तो ये हो चुका है कनेक्ट। अब मैं कोई सा भी गाना चलाऊंगा विदाउट कॉपीराइट वाला गाना, देख लेते हैं। तो मैंने गाना लोड कर लिया है, देख सकते हो, और ये हेडफोन भी है, देख सकते हो, इसको आप हेडफोन जैक का अलग से यहाँ पर पोर्शन दिया रहता है, यहाँ पर ये भी लगा सकते हो। अब देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्यूज सेट कर रखे हैं गाने के, जो कि जितने भी कंट्रोलर रखे होंगे वो लोग क्यूज सेट करके ही रखते हैं गाने। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि इसमें आउटपुट आ चुका है, ये दो लाइनरेस चल रहे हैं। मैंने अभी आवाज़ थोड़ा कम रखा हुआ है,
तो आउटपुट तो आ गया है। तो आप लोग इसको दो टाइप से आउटपुट को दे सकते हो, एक तो मैंने अभी बताया आपको यहाँ से दिए हो, अगर ये आप लोग नहीं लगाना चाहो तो भी आप लोग आउटपुट दे सकते हो। क्या करना है आपको, यहाँ से मोबाइल लीड जैसे कनेक्ट करते हैं वैसे ही मोबाइल लीड यहाँ कनेक्ट करना है और वो जाएगा सीधा मिक्सर में। उसके बाद जो यहाँ से मैंने आपको सेटिंग जो बताया था उसको यहाँ पर कंप्यूटर ऑडियो में करना है, ये सेकंड वाले में कंप्यूटर ऑडियो में वहाँ पर करोगे तो आपका आउटपुट लैपटॉप से सीधा मिक्सर में, फिर मिक्सर से सिस्टम में जाएगा। लेकिन अभी कंट्रोलर से सीधा मिक्सर में, फिर मिक्सर से सिस्टम में आउटपुट जा रहा है, तो वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। तो अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप लोग को, हो सकता है बहुत लोग को पता भी होगा और बहुत लोग को नहीं भी पता होगा, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। जितने भी बड़े टीचर हो या फिर कोई भी एक्सपीरियंस आदमी हो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेगा, वही मैं बेसिक्स अभी इसमें बताने वाला हूँ। तो ये कमेंट मत करना कि इतना तो आता ही है, बेसिक से ही बता रहा हूँ इसीलिए आपको लगता है कि आपको आता है। ये राइट सेक्शन होता है, ये मिक्सर सेक्शन होता है बीच वाला, और ये लेफ्ट सेक्शन। तो ये इसको बोलते हैं जॉग व्हील, जिसको टच करने से अगर विनाइल मोड में है तो वो रिएक्ट करेगा। इसको पैड्स बोलते हैं, और यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, जैसे हॉट क्यूज, पैड इफेक्ट्स, बीट जम्प, सब में बोल सकते हो एक एक अलग अलग तरीके के अपने वो हैं, इफेक्ट्स हैं। जैसे मैंने डाल के रखा हुआ, मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं, तो ये सब आप इस पैड इफेक्ट्स में डाल सकते हो, इफेक्ट्स में। तो ये उसका सेक्शन है, और ये तो लूप्स के लिए होता है। ये दोनों बटन जो होता है वो लूप इन और लूप आउट होता है, प्ले पॉज इससे होता है, और ये क्यू है, अगर डायरेक्ट क्यू से स्टार्ट करना हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये होता है एफएक्स रिलीज बटन है ये, और ये मास्टर होता है, ये वाला मास्टर। और ये मिक्सर सेक्शन है, आपको तो पता ही होगा, इससे हाई कंट्रोल होता है, इससे मिड, इससे लो, और इस सी एफ एक्स है। इसमें आप यहाँ से सी एफ एक्स चूज़ करके यहाँ पर कुछ भी एफेक्ट्स रख सकते हो। जैसे अभी मेरे में नॉइस का सिलेक्ट हुआ है, तो देख सकते हो नॉइस का सी एफ एक्स आ रहा है। बाकी इस साइड भी सेम है पूरा, ये जॉग व्हील है, ये लूप्स के लिए है, ये पैड इफेक्ट्स, डिफरेंट ऑप्शंस है, प्ले पॉज, क्यू, और यहाँ शिफ्ट का बटन है दोनों साइड, देख सकते हो। शिफ्ट का बटन दूसरे की में जाने के लिए होता है, उसके सेकेंडरी की में। जैसे यहाँ देख सकते हो हॉट क्यू है, तो अभी ये जल रहा है, लेकिन उसके नीचे ध्यान से देखोगे यहाँ पर कीबोर्ड भी लिखा हुआ है, तो हमको उस वाले सेक्शन में जाने के लिए शिफ्ट दबा के इसको दबाना होता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं कीबोर्ड वाले सेक्शन में, और वापस से जाने के लिए बस हॉट क्यू दबा दो, वापस से आप उसमें आ जाओगे। और ये सेक्शन, ये वॉल्यूम कंट्रोल करता है लेफ्ट चैनल का और ये राइट चैनल का। और ये फेडर है, इसको हमेशा बीच में ही रखते हैं, इस साइड रखने में इस साइड का वॉल्यूम आउटपुट आएगा, इस साइड रखने में इस साइड का आउटपुट आएगा। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो लैपटॉप से। और यहाँ देख सकते हो टेम्पो फेडर, इससे टेम्पो कंट्रोल होता है गाने का, स्पीड या फिर टेम्पो बोल सकते हो। और बाकी यहाँ पर सिंक बटन भी है दोनों साइड, बीट मैचिंग कराने के लिए सिंक बटन का यूज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट फेडर, यहाँ देख सकते हो स्मार्ट फेडर, तो इसका यूज़ करके आप लोग आराम से एक गाने से दूसरे गाने में स्विच कर सकते हो बिना बीट को इधर उधर किए, बीट मैच वो अपने आप कर लेता है। तो ये भी ऑप्शन है, और ये बीट सिंक करने का ऑप्शन भी अलग है। तो ये बेसिक नॉलेज था इसके बारे में जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलो अब एक दो गाना हम लोग इसमें बजा के टेस्ट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 2000 years later. I
तो जैसा आप लोगों ने देखा, मैं अभी प्ले करके दिखाया, ज़्यादा लंबा नहीं चलाया हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है इसलिए। और यहाँ देख सकते हो वर्चुअल डीजे 8 में मैं 24 वर्जन है ये, इस सॉफ्टवेयर में मैं प्ले करता हूँ। अगर आप लोगों के पास कंट्रोलर है, आप लोग को ये चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हो, हर कंट्रोलर में चलेगा ये। और अगर आप लोग को और थोड़ा एडवांस सीखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैंने अभी सिर्फ एक बेसिक स्टार्टअप दिया था, बेसिक नॉलेज दिया था कि कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में प्ले करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।